नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश शुक्ला। अगली खबर मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से है, जहां केंद्र के समान डीएसीपी समयबद्ध पदोन्नति और प्रशासनिक अधिकारियों का हस्तक्षेप कम करने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के 10,000 से ज्यादा सरकारी डॉक्टर्स ने सोमवार 1 मई से आंदोलन शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत सोमवार को डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांध कर मरीजों का इलाज करते हुए की। 3 मई से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक 2 घंटे के लिए वे काम बंद कर देंगे। सोमवार को एमपी हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, गैस राहत, गृह विभाग, ईएसआई और जूनियर एनएचएम संविदा डॉक्टर व बोन्डेड डॉक्टर काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ओपीडी और ओटी चालू है, जहां मरीजों का इलाज और ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इनके समर्थन में जूडा, जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन भी समर्थन में उतर गया है। मंगलवार को काम बंद रखने के बावजूद यदि मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। शासकीय एवं स्वशासी चिकित्सा महासंघ के प्रमुख संयोजक डॉक्टर राकेश मालवी का कहना है कि इस बार बिना आदेश हड़ताल वापस नहीं होगी। महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर मालवी ने बताया कि सभी डॉक्टरों ने अपने हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री वादा स्मरण दिवस के बैनर लगाए हैं। 3 मई को सभी चिकित्सकीय कार्य, ओपीडी, आईपीडी, ऑपरेशन, पोस्टमार्टम आदि सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी।